तो अब तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यार एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद ली है, क्योंकि हमारे पास यार कोई गाड़ी नहीं थी। तो इसीलिए यार मैं सीधे कार शोरूम पे गया। कार शोरूम पे जाने के बाद वहाँ पे यार एक से एक महंगी गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, तो मेरे को यहाँ पर यार चैलेंजर सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी। तो फाइनली हम लोगों ने इसे परचेज कर लिया है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोगों ने इसे इंस्टॉलमेंट पर लिया है, इसके अभी पैसे वगैरह भी भरने हैं। बाकी साथ में तुम लोग को ब्लैक कलर की अपनी स्विफ्ट नज़र आ रही होगी, ये ना अभी मेरी नहीं है, मैंने ये ओम को दे दिया है, क्योंकि इसकी ना हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है और वैसे देखो उसे ज्यादा कहीं जाना नहीं होता है। बाकी गाइस हम लोगों ने साथ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर लिया है, हम लोगों ने पुलिस स्टेशन से एक हार्ड ड्राइव चोरी किया है, जिसके अंदर यार अपनी गैंग मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है, और शायद हम लोग जल्दी अपने गैंग मेंबर्स को भी ढूंढ लेंगे। तो गाइस मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो के लिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, इस वाले वीडियो पे भी हम लोग लाइक करने हैं सिर्फ 6000 का यार, तो प्लीज लाइक भाई कर दिया करो और एक प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर कर देना। बाकी एक बार ऊपर चलते हैं और चल के ओम से बात करते हैं कि भाई हैकिंग वगैरह हुई या नहीं हुई, क्योंकि काफी टाइम से लगा है भाई, 2-3 दिन से ये हैकिंग करने में लगा हुआ है, और एक मिनट ये खड़ा है यहाँ पर। ओम कुछ भाई पता लगाया नहीं लगा अभी तक? नहीं बॉस, अभी तक नहीं पता लगा, अभी और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अबे यार तूने बोला था कि यार 1-2 दिन में कर देगा, भाई 2 दिन हो चुके हैं, थोड़ा तेज हाथ चला, थोड़ा जल्दी कर। बॉस ये पुलिस का सर्वर है, इसलिए हैक करने में टाइम लग रहा है। चल ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना काम कर। बाकी एक मिनट गाइज, मेरे पास यहाँ पर डॉन का कॉल क्यों आ रहा है? फटाफट से एक काम करते हैं, इसे बातचीत करते हैं। तो अभी यार मेरी डॉन की सिक्योरिटी से बात हो गया, और अभी मेरे को पता लगा है कि मेरे को अभी के अभी भाई मेंशन पे पहुंचना पड़ेगा। डॉन को शायद कोई काम है और वो मेरे को मिलने के लिए बुला रहा है। भाई जब भी उन्हें काम होता है ना, वो लोग तभी कॉल करते हैं। ओके, तो मैं ओम को बता देता हूँ। ओम, तो यार मेरे को अभी डॉन के मेंशन पे जाना पड़ेगा, उन्हें कोई जरूरी काम है, तो हैकिंग वगैरह करके तब तक पता लगा, ठीक है ना? ठीक है बॉस, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं हैकिंग करने का ट्राई करता हूँ। हाँ जल्दी से जल्दी, बस कैसे भी करके पता लगा। बाकी गाइस ओम को इसका काम करने देते हैं, फटाफट से निकलते हैं। और भाई डॉन के साथ अभी काम तो करना पड़ेगा, हम लोगों ने उनकी गैंग ज्वाइन कर लिया है, और अच्छा ही है यार, अपने को पैसे कमा रहे हैं। और एक मिनट, ये बॉडी बिल्डर अपनी कार के पास क्या कर रहा है? अबे हेलो, यहाँ क्या कर रहा है? गाड़ी चोरी करनी है क्या? ये कार तेरी है क्या? हाँ भाई मेरी कार है, तभी तो पूछ रहा हूँ ना तेरे को, यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो कार दिख रहा था, बड़ी मस्त लग रही है यार, यकीन नहीं हो रहा कि ये कार तेरी है। अभी तेरे को यकीन दिलाऊं क्या मैं यहाँ पे? अरे नहीं 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 भाई, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हद है भाई, देख रहे हो ना इतनी ज्यादा बढ़िया कार है। मुझे ना इसका कलर भी चेंज कराना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे, और ये देख कार के। हद है भाई, पता नहीं क्या बड़बड़ाता हूँ, भाग गया, अगर रुकता ना तो मैं अभी इसको बड़ा पीटने वाला था। बाकी गाइस जाते जाते मैं अपना हेयर कट भी कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बड़े बाल ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, तो चल के हेयर कट भी करा लेते हैं। और गाड़ी का कलर भी हम लोग बहुत जल्दी चेंज कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ इसका कलर ना फुली ब्लैक करा दिया जाए भाई, एकदम माफिया वाला लुक देते हैं। तो क्या लगता है कमेंट करके बताना। बाकी चलते हैं फटाफट से किसी बार्बर की शॉप पे, और चल के बढ़िया सा ना हेयर कट लेते हैं। तो अभी हम लोग यार एक हेयर कट की शॉप पे पहुँचने वाले, और मेरे को तो यार रास्ता ही नहीं पता था भाई, मैंने 2-3 लोगों से पूछा तब जाकर मेरे को शॉप के बारे में पता लगा है, पर सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये गैंग वाला एरिया है ना, तो मैं थोड़ा संभल के रहूँ। तो मैं काम करता हूँ, आराम से गाड़ी को मोड़ते हैं, क्योंकि मैंने शॉप देख ली है, ये रे गाइस हेयर कट वाली शॉप। तो एक काम करते हैं ना, गाड़ी को पहले साइड में लगा देते हैं और अंदर चल के देखते हैं, भीड़ तो नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी बाल कटवाने हैं, जल्दी से डॉन के मेंशन पे जाना है। ओके, तो भीड़ तो नहीं है। हेलो सर, आपको क्या करवाना है? आंटी मुझे ना हेयर कट करवाना है भाई, जल्दी जल्दी से हेयर कट कर दो। एकदम एकदम बिल्कुल, आपको हीरो बना देंगे, आओ बैठो। हाँ ठीक है ठीक है, फटाफट से हेयर कट कराते हैं। तो भी गाइस हमारा हेयर कट यहाँ पर हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो, हेयर कट तो ठीक ही लग रहा है। के तो फटाफट से उठते हैं। हीरो बिल्कुल। हाँ आंटी ठीक ही काटे हैं बाल, तो कितने पैसे हो गए? बाकी फेशियल वगैरह कराना है तो वो भी हो जाएगा, फेशियल कर दूँ आपका? नहीं नहीं, फेशियल वगैरह तो मैं बाद में कराऊंगा, हेयर कट बढ़िया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी हो रहा है। ठीक है सर, आपके हुए 120 रुपए। ओके, तो गाइज मैंने अभी हेयर कट का यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर दिया है, अभी फटाफट से निकलते हैं। और भाई कट कराने के बाद मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है भाई, बड़े बड़े बालों में अपना हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा था यार, माफिया लुक आ रहा था, पर आप लोग इतने सारे कमेंट कर रहे थे ना कि मैंने भाई हेयर स्टाइल ही बदल दिया। अब बताओ कि अभी कैसा लग रहा है? अभी मेरे को भाई गाड़ी कहीं नहीं रोकनी है, सीधे चलना है मेरे को डॉन के मेंशन पे, और चल के देखते हैं भाई क्या दिक्कत हो गई, उन्हें क्या काम है, काफ़ी सारे कॉल आ चुके हैं, और अगर मैं लेट हो गया ना तो ऐसा ना हो कि डॉन मेरे पर ही भड़क रहा है, मेरी बैंड बजा दे। सीधे चलते हैं गाइस उसके मेंशन की तरफ। तो अभी मैं यार अपनी डॉन चैलेंजर को भगाते भगाते सीधे डॉन के मेंशन पे पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया हूं यार, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गया था। एंड सही बताऊं ना अपनी यार, ये कार बहुत ज़्यादा प्यारी है भाई, क्या भागती है, मज़ा आ रहा है इसको भगाने में।
फटाफट से अंदर चलते हैं। अभी ना ये लोग मेरे को रोकने वाले नहीं है यार, अभी इनको पता लग गया है कि मैंने इन लोगों की गैंग ज्वाइन कर ली है और मैं गाड़ी को यहाँ पे लगाता हूँ। एंड मुझे पता लगा था कि जो इनका बॉस है ना, मतलब जो डॉन है, वो पूल एरिया में मेरा इंतजार कर रहा है। तो गाइज अभी भाग भाग के चलना पड़ेगा और चारों तरफ तुम लोग सिक्योरिटी चेक करो, और पीछे वाले बंदे ने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि मैं आ चुका हूँ। फटाफट से चलते हैं, और वो रहा सामने डॉन। भाई यार वो नाराज ना हो क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मेरे को जल्दी आना था। हेलो भाई, हेलो। इतनी देर लगा दी तूने आने में? अरे भाई रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक हो रहा था इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी सॉरी। हाँ बताओ यार किस लिए बुलाया था मुझे? मेरे पास ना एक काम है तेरे लिए। और तेरा हैकर नहीं आया क्या आज? ना ना भाई, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है इसलिए वो आया नहीं है, वो घर पे ही है। अच्छा तो सुन, मेरे पास ना तेरे लिए एक काम है और उस काम के लिए तेरे को बहुत पैसे मिलने वाले। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करूंगा जो भी काम है। भाई पहले सुन तो ले, काम क्या है? कोई नहीं, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ, आपको पता है मुझे बस पैसे चाहिए। भाई पहले सुन तो ले, काम क्या है? कोई नहीं भाई, मैं कहता हूँ ना मैं काम कर दूंगा, बस आप पैसे बताओ पैसे कितने मिलेंगे। भाई देख पैसे तुझे अच्छे खासे मिलेंगे, पर एक बार काम सुन ले, ये जो काम है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है और मेरे पास ये काम आया तो मैं काम तुझे दे रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करने को तैयार हूँ, बस मेरे को पैसे चाहिए। देख तूने एक बार ये काम ले लिया तो तुझे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं कर दूंगा काम, आप बस पैसे वैसे का इंतजाम करो। ठीक है कर, मैं कॉल आ रहा है, मैं कॉल पे बात करो, मेरा जो बॉडीगार्ड है वो तो एडवांस दे देगा अभी। ठीक है ओके। तो गाइस यहाँ पर मैंने भाई डॉन को हाँ कर दिया काम के लिए। देखो मेरे को पता है यार डॉन के ना छोटे मोटे काम होते हैं, मैंने डॉन के लिए काम किया था, ज्यादा कुछ नहीं था, गैंग वालों से ना बस एक बंदे को छुड़ा कर लाना था भाई, बहुत आसान काम था और पैसे भी काफी बढ़िया मिल गए थे। पर इस बार डॉन बोल रहा है कि भाई सोच लूं काम खतरनाक है पर पैसे से मतलब है भाई, बोल रहा है पैसे तगड़े मिलने वाले हैं और उसका कोई बॉडीगार्ड आने वाला है भाई, सिक्योरिटी वाला लेकर। भाई कौन लेकर आ रहा है? वोरा पीछे डॉन गाइज, उसके पास शायद किसी का कॉल वगैरह आया है, फ़ोन पे बात बात कर रहा है। मुझे इंतज़ार करना है भाई, फटाफट से मेरे को पैसे मिले उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई अपने को गाड़ी की भी तो डाउन पेमेंट देनी है, गाड़ी की भी तो अपने को इंस्टॉलमेंट भरनी है भाई, गाड़ी ना हम लोगों ने किस्तों पर खरीद ली है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसे तो हमें ऐसे ही कमाने। और एक मिनट, आवाज़ आ रही गाइज मेरे को किसी के पीछे से। ओके ये रहा सिक्योरिटी वाला, फटाफट से इससे पैसे लेते हैं। तो अभी यार इससे मेरे को बैग वगैरह दे दिया और बोल रहा है कि जाकर मैं बॉस से बात करूं। गाइज मैंने इससे पूछा बैग में पैसे कितने हैं, भाई इसने बताया ही नहीं है कि पैसे कितने हैं। भाई कोई नहीं, बॉस से चल के पता कर लेते हैं। ओके ये रहा भाई डॉन, ये एक तरीके से यार अपना भी बॉस बन गया है भाई। तो उसने पैसे वगैरह, हाँ मिल गए भाई पैसे मिल गए, कितने पैसे हैं इसमें? देख इसमें ना अभी 50 लाख है और जब तू ये काम कर देगा उसके बाद तेरे को 50 लाख और मिलेंगे। 50 लाख? ठीक है भाई मैं काम करने को तैयार हूँ, बताओ तू काम क्या करना है? देख सुन, मैं ना तेरे को एक बंदे का नंबर देता हूँ, तू यहाँ से जा बाहर और थोड़ी देर बाद उस बंदे को कॉल करना, वो तेरे को फिर एक लोकेशन पर बुलाएगा और जो भी काम होगा ना वो बंदा तेरे को समझा देगा सारा काम। ठीक है भाई, ठीक है मैं जाता हूँ अभी यहाँ से। ओके तो गाइज अभी अपना काम हो चुका है। हाँ हाँ भाई, हाँ बोलो बोलो। जो वो बंदा है ना वो जो भी काम बोले ना एकदम अच्छे से कर देना, कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है टेंशन ना लो आप, मैं उसका काम एकदम अच्छे से करने वाला हूँ जो भी काम है उसका। ठीक है ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो। ओके भाई, तो गाइज यहाँ पर अपने को 1 करोड़ का पूरा इंतजाम हो चुका है और ये पूरा पैसा हम लोग भाई गाड़ी के भाई किस्तों में दे सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। ओके बहुत सही, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई गाइज, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। एंड एक नंबर मेरे पास आ तो गया है, इस बंदे को ना थोड़ी देर बाद मेरे को कॉल करना है, अभी नहीं करना है। ओके तो अभी मेरे को समझ में आया कि डॉन के पास ना गाइस काफ़ी सारे काम वगैरह आते रहते हैं और ये काम वो मेरे से करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने को भी तो पैसे चाहिए थे ना। बहुत सही, मैं काम करता हूँ ब्रीफ केस को पहले मैं अंदर ही रख लेता हूँ एंड फटाफट से बैक करके गाड़ी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये सिक्योरिटी वालों को ना ठोक दूँ यार। वो देखो एक बंदा तो भाई इधर ही से देख रहा है कि मैं गाड़ी कैसे घुमा रहा हूँ। बहुत सही भाई, भगाते हैं भाई अपनी कार को। मैं एक काम करता हूँ ना, जो मेरे को पैसे मिले ना सीधे कार शोरूम पे चल के जमा कर देता हूँ भाई, सबसे बढ़िया रहेगा, कार शोरूम पे ही चलते हैं। और एक मिनट भाई, अबे हटा लो यार, देख रहे हो? अबे यार ये लेडी को पता नहीं क्या हो गया भाई, बीच रास्ते में गाड़ी रोक कर खड़ी है, हद है यार। आखिर निकलते हैं सीधे गाइस कार शोरूम की तरफ और चल के जो अपने पास 50 लाख का पेमेंट मिला है ना, चल के भाई कार शोरूम पे जमा कर देते हैं। तो अभी हम लोग यार अपनी कार को लेकर कार शोरूम पे पहुंचने वाले हैं। ये रहा सामने कार शोरूम, मेरे को ना पहले गाड़ी को पार्किंग में लगाना, एक काम कर दो ना आगे के साइड ही लगा देता हूँ यहाँ पे एकदम आराम से। मैंने ब्रीफकेस वगैरह भी ले लिया है, फटाफट से अंदर चलते हैं। एंड गाइज आज भी मेरे को काफ़ी सारी कारें नज़र आ रही हैं, अब ये सेम गाड़ियाँ खड़ी हैं क्या? लग तो गाइज मेरे को सेम ही रही हैं, पर चलो ठीक है यार, मुझे कौन सी कार खरीदनी है भाई। एक ना एक दिन तो गाइज मैं ये वाली जीवागन ज़रूर खरीदने वाला हूँ,
भाई देख रहे हो डॉन के मेंशन पे भी काफी सारी थी, हम लोग भी जरूर लेंगे। ओके तो मुझे यार जाकर सीधे मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर के ऑफिस में ही चलते हैं, ये वाला ऑफिस है ना उसका, सीधे अंदर ही चल के उससे बात करते हैं। अबे यहीं पे है। हेलो मैडम। हेलो सर, कैसे आना हुआ आपका, कार में कोई दिक्कत आ गई क्या? नहीं नहीं मैम, कार पे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, मैं यहाँ पर पेमेंट वगैरह जमा करने आया था, जो गाड़ी का बकाया पैसा रह गया है। अच्छा तो पेमेंट के लिए आए हो आप, तो आप एक काम करो ना, बाहर रिसेप्शन है ना, वहाँ पे आप जमा करवा दो पेमेंट को। ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, मैं जमा करवा देता हूँ। बाकी बाकी आपकी अगर कार में कोई दिक्कत वगैरह आती है ना तो आप मेरे को बता देना, उसकी सर्विसिंग करानी है तो भी आप आ जाना शोरूम पे कभी भी। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल मैडम। तो गाइस अभी अपने को चलना पड़ेगा यार, इसे लगा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गया, भाई गाड़ी तो एकदम नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम आएगी। फटाफट से एक काम करते हैं ना, पैसे जमा करते हैं एंड इनसे रिसिप्ट वगैरह भी ले लेते हैं, और पता भी करना है गाइस अभी कितने और पैसे देने हैं। तो अभी मैंने यार यहाँ पे बातचीत कर लिया गाइस, पैसे वगैरह भी जमा कर दिए, और अभी मेरे को पता लगा है कि यार अभी हम लोग को टोटल 1,10,00,000 यहाँ पर और लाकर जमा करना है। हद है यार। बाकी इन लोगों ने एक ऑफर भी दिया है कि अगर हम लोग जल्दी पैसा जमा कर देते हैं तो जो 10,00,000 है ना भाई उसकी छूट मिल जाएगी एंड सिर्फ 1,00,00,000 जमा करना होगा। भाई मैं ना ऐसा ही करूंगा, जितना जल्दी हो सकता है गाइस पैसा जमा करने वाला हूँ। बाकी डॉन ने जो मेरे को नंबर दिया था ना, उस बंदे को कॉल कर लेते हैं यार, अभी तो टाइम हो गया है, फटाफट से उसे कॉल करते हैं तो पता करते हैं कि भाई काम क्या करना है। तो अभी मेरी उस बंदे से यार फोन पे बात हो गई, और गाइस उसने मेरे को लोकेशन देकर मिलने के लिए बुलाया, तो फटाफट से मेरे को पहुंचना पड़ेगा। एंड उस बंदे ने को मेरे को बोला है कि मैं 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाऊं, तो यार मेरे को जल्दी से गाड़ी को भगाना पड़ेगा। वैसे वो लोकेशन है गाइस ज्यादा दूर पे नहीं है, तो एक काम करते हैं जल्दी से चलते हैं एंड चल के देखते हैं भाई वो बंदा कौन है जो मेरे को बताने वाला है काम के लिए। फटाफट से गाड़ी को भगाओ, किसे 5 मिनट में बोला था यार उसने आने के लिए, और वैसे गाइज वो लोकेशन है बस पास में ही है। तो अभी मैं यार उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, और गाइज ये रही वो लोकेशन, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम से पहले ही पहुंच गया। अब एक काम करते हैं फटाफट से अपनी कार को, एक काम करता हूँ ना अंदर ही लगाते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं। और यार यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा भाई, पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा है। हद है भाई, उस बंदे ने मेरे को खुद टाइम से बुला लिया और खुद नहीं आए। एक मिनट, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर मेरे को आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के अंदर वो बंदा है, हो सकता है यार। एक मिनट, ये हेलीपैड है ना, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसे साइड में हट जाता हूँ और उसको उतरने का इंतजार करते हैं। तो अभी गाइस उस बंदे ने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करा लिया है, भाई लग तो यही बंदा रहे। एक मिनट चल के इससे बातचीत करते हैं, और एक मिनट गन को अंदर रखूं। भाई तू कौन है? भाई मुझे ही डॉन ने भेजा है यहाँ पर काम करने के लिए, शायद तेरे से बात हुई थी अभी मेरी। अबे डॉन ने तेरे को भेजा काम करने के लिए, तू कर भी पाएगा वो काम? हाँ भाई कर लूंगा मैं काम, ऐसा क्या काम करना है, बस ये बता मेरे को काम क्या है। भाई मुझे लग तो नहीं रहा तू वो काम कर भी पाएगा। एक काम करना, तू डॉन से ही बात कर ले भाई, वो ही तेरे को बता देगा। हद है यार, भाई मैं डॉन से ही बात करता हूँ। कर कर भाई, ये देख रहे हो इस बंदे को यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं काम कर पाऊंगा, ऐसा करना क्या यार, कोई बताएगा मेरे को? डॉन बोल रहा था कि यार ये बंदा बताएगा, और इस बंदे को भाई क्या लग रहा है मुझे देखकर, भाई ये लोग तो पहचान नहीं रहे ना। इस बंदे को भेजा ये? ओके वो उससे फोन पे बात कर रहा है डॉन से। ये काम कर भी पाएगा? आपने कैसे बंदे को भेज दिया ये? ठीक है सुनना पड़ेगा गाइस, भाई यार ये कहीं मना ना करवा दे। ओके ओके डॉन बोल रहा है कर लेगा। ठीक है भाई ठीक है, मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट करके ना इस बंदे को काम चलो बता ही देता हूं। ओके तो गाइस शायद इसकी डॉन से बात हो गई है, कर ली बात तूने डॉन से? भाई देख देख मेरी डॉन से तो बात हो चुकी है, और मैं सिर्फ डॉन पे भरोसा करके ना तुझे काम ज्यादा समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डॉन ने बोला कि तू ये काम कर लेगा। तो देख काम कुछ ऐसा है ना कि ये जो काम है तुझे मिलिट्री बेस के अंदर घुसना है, और वहां से ना तुझे एक चीज चोरी करके लानी है। एक मिनट फिर से बोल, कहाँ जाना है? मिलिट्री बेस? हाँ भाई देखो मिलिट्री बेस के अंदर घुसना है, और वो काम सारा तुझे खुद ही करना पड़ेगा, उसमें तेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। भाई मिलिट्री में जाना मतलब भाई खुद अपने आप मौत को गले लगाने जैसा है। अब देख भाई ये काम ना तूने डॉन को बोला है कि तू कर देगा, और अब अगर तूने मना करा ना इस काम करने के लिए तो भाई तू डॉन से समझ लियो। ठीक है करना क्या है, वहां से डिवाइस लेकर आना है कोई? हाँ मिलिट्री बेस के अंदर घुसना है, वहां पे एक तुझे लॉकर मिलेगा, उसके अंदर से लॉकर को तोड़ के एक डिवाइस है, वो तुझे सिर्फ चोरी करके मेरे को ला के देना है। ठीक है अब जब मैंने हाँ बोल दिया है, ठीक है फिर मैं कर दूंगा ये काम। और सुन हाँ बोल, वो बोल। काम करने के लिए ना तेरे पास सिर्फ आज रात का टाइम है, आज रात तक तुझे वो काम करके देना है। ठीक है भाई मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ, मैं आज रात तक काम कर दूंगा। चल ठीक है रात तक मुझे वो डिवाइस ला कर दे दियो, बाकी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे को कॉल कर देना जब वो डिवाइस तू लेकर आ जाए। ठीक है कॉल कर दूंगा मैं तुझे। हद है यार ये डॉन ने कहा फंसा दिया गाइस, पुलिस का चक्कर तो ठीक था यार, ये मिलिट्री क्या चक्कर है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने भी यार चौड़ में ना बिना सोचे समझे भाई काम के लिए हाँ कर दी, इसीलिए शायद ये बंदा मेरी शक्ल देखकर भाई डॉन को इसने कॉल किया, और डॉन ने भी चौड़ में हाँ बोल दिया कि मैं कर दूंगा। भाई मैं इस काम में फंस ना जाऊं यार, मिलिट्री बेस के अंदर घुसकर एक डिवाइस लेकर आना है,
वो भी आज रात तक का टाइम है, अकेले कैसे होगा यार? पुलिस से पंगा लेना एक अलग बात होती है, पर मिलिट्री गाइस, मिलिट्री बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, सही बताओ ना, मेरी सुनकर हवा निकल गई है। अभी ना पहले यहाँ से निकलते हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मिलिट्री से कैसे पंगे लूँगा मैं, और अगर काम नहीं किया ना तो डॉन के मैंने पैसे भी ले लिए, और पैसे भी नहीं है मेरे पास यार। एक तो मैं वो पैसे भी तो वापस नहीं कर सकता, मैंने वो कार वाले कार शोरूम पे जमा कर दिए हैं। मैंने कहा इस बुरी तरीके से फंसने वाला हूँ, अब काम नहीं करता हूँ तो भी फंसूँगा, और काम करता हूँ तब भी फंसा मैं भाई। हद है यार, अब तो कुछ भी हो जाएगा इस काम तो करना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी गाइस मैंने सोचा क्यों ना यार एक बार इस बारे में डॉन से बात कर ली जाए। मैंने डॉन को कॉल किया था और सही बताऊँ ना मुझे लगा वो मेरी बात सुनेगा। मैंने उसको बोला भाई कोई और काम होगा, कोई भी काम मैं करूँगा, पर मिलिट्री से पंगे मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, क्योंकि 10 साल में जेल में रहकर आया हूँ। तो डॉन ने बोला ठीक है काम नहीं करना है मत कर, पर जो 50 लाख दिए थे 50 लाख तो उसे चाहिए ही चाहिए, एंड साथ में 50 लाख और लेगा क्योंकि मैंने काम के लिए हाँ करी है। मतलब गाइज मुझे अभी के अभी उसे 1 करोड़ रुपए देने हैं। साथ में बोल रहा है कि भाई गैंग में भाई बाहर निकाल देगा गैंग से, और अगर दोबारा से कल दिखाई ना तो गोली भी मार देगा। मतलब भाई मेरे को कोई काम नहीं मिलने वाला भाई, समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या भाई। डॉन अब बहुत खतरनाक है, अब तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा। और डॉन ने मेरे को ये भी बताया कि अगर मिलिट्री वालों से वहाँ पे पकड़ा जाता हूँ, अगर मैं फंस गया ना, तो कोई मेरे को बचाने नहीं आने वाला है, क्योंकि जो ये काम है ना वो बंदा लॉस सैंटोस के बाहर का है, और उसे कोई डिवाइस चाहिए जिसके अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, तो मुझे वो लेकर आना है। शायद कोई फ़ोन वगैरह की बात हो रही थी, कोई फ़ोन चोरी करके लाना है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे की इन्फॉर्मेशन है। हत्या यार, मतलब सारा पैसा डॉन रख रहा होगा और मुसीबत में मैं पड़ने वाला हूँ। मुझे बस 1 करोड़ मिलेगा, और मुझे लगता है कि 10-12 करोड़ तो डॉन ही रख रहा होगा इस काम के। पर अब यार बिना सोचे समझे जब मैंने हाँ करी है तो करना तो मुझे पड़ेगा ही, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, डॉन मेरे पीछे पड़ सकता है। तो अभी अपने को डॉन का काम तो यार देखो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आया हूँ वेपन वाले बंदे के पास। मेरे को वेपन्स वगैरह खरीदने हैं क्योंकि मेरे पास ना थोड़ी आरपीजी और ग्रेनेड खत्म हो गए हैं, और मिलिट्री से लड़ने जा रहे हैं तो आरपीजी और भाई मिनी गन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा आरपीजी का स्टॉक होगा ना मेरे पास उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मेरे को ना करीब 10 से 15 आर्मर भी लेने हैं। एंड ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, सारे लोग आज वेपन ही लेने आए हैं क्या? चलो छोड़ो यार, मेरे को इनसे क्या करना है। और भाई क्या हाल चाल है तेरे? तो भाई मैं ना तेरे पास अभी भाई तगड़े वाले वेपन्स लेने आया हूँ, और हो सकता है यार ये मेरा आखिरी बार भी हो, मेरे को अरेस्ट कर सकते हैं या फिर भाई मेरे को लोग ख़त्म भी कर दे। हाँ मैं बताता हूँ तेरे को यार, मेरे से ना एक छोटी सी गलती हो गई है भाई, मैंने ना किसी का काम ले लिया है, और काम पता है कहाँ का है? मिलिट्री बेस का। मिलिट्री में मेरे को जाना है और जाकर वहाँ से कुछ चोरी करके लाना है। पता नहीं भाई ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। एक काम कर, तू तेरे पास जितने भी तगड़े वाले वेपन्स आना है, हैवी वाले आरपीजी के जितना भी स्टॉक है सब निकाल दे, मैं पीछे जाकर आर्मर वगैरह देख लेता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पर ना काफ़ी सारे आर्मर है, मैं एक काम करता हूँ ना सारे सुपर हैवी वाले ले लेता हूँ, ये वाले आर्मर वगैरह शूज़ तो चलो ठीक है यार, आर्मर ले लेता हूँ और वेपन वगैरह लेते हैं। तो अभी गाइज मैंने इस बंदे से यार यहाँ पर सामान वगैरह ले लिया है। मिनी गन इसने मेरे को दिखाई थी, बट मिनी गन मेरे पास ऑलरेडी थी। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी गोलियाँ ले ली है, आरपीजी स्नाइपर सब ले लिया है भाई, एक से एक तगड़ी वाली स्नाइपर ली है। मेरे पास बहुत सारे टाइप की स्नाइपर हो चुकी हैं जो पहले नहीं थी, पर इस बंदे ने काफ़ी सारी दे दी है। देख मेरे पास यार वेपन वगैरह का इंतजाम हो गया है। यार मुझे ना एक बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, तो अगर तेरे जान पहचान में कोई बंदा हो तो यार इंतजाम करवा दे। ओके तो ठीक है, फटाफट से उसका नंबर देना भाई अगर जानता है तो। ठीक है गाइस, ये बोल रहा है कि यार हाँ एक दो बंदे तो हैं, तो भाई जल्दी से मेरे को नंबर दे। ओके तो गाइस मैंने इससे नंबर वगैरह ले लिया है। ठीक है अगर भाई जिंदा रहे तो वापस मिलते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो अभी निकलते हैं गाइस, जिस बंदे का मैंने नंबर लिया है ना मैं रास्ते में उसे कॉल कर दूंगा और चल के उससे बात करते हैं। मुझे ना उससे बुलेट प्रूफ गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार ना भाई मिलिट्री के सामने कुछ नहीं है भाई। एक तो ये बुलेट प्रूफ नहीं है, मेरे को इसे करवाना पड़ेगा, पर मेरे को एक प्रॉपर सी बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। पहले काम करते हैं भाई, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में चलते चलते उस बंदे को कॉल भी कर लेते हैं। तो अभी मेरी उस बंदे से यार बातचीत हो गई, और गाइज अभी उसने मेरे को लोकेशन दे दी है जो यहाँ पर एक गैराज की लोकेशन है। एक मिनट यार, रास्ता कहाँ से, एक तो समझ में नहीं आ रहा। ओके तो गाइज शायद आगे से रास्ता है, ये रहा रास्ता, तो फटाफट से नीचे के साइड जाना पड़ेगा। चल के उस बंदे से बातचीत करते हैं। ओके तो गाइज ये एक ऑटो शॉप है, ठीक है यहाँ पे रिपेयर वगैरह नहीं होता, यहाँ से निकल जाओ गाड़ी लेके। अबे मुझे गाड़ी रिपेयर नहीं करवानी है भाई, मेरी अभी किसी से फोन पे बात हुई थी, मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा अच्छा वो हो गया, तुम्हें गाड़ी रेंट पे चाहिए थी, बुलेट प्रूफ। हाँ बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए मेरे को। कहाँ पे है गाड़ी भाई, तू ही देता है क्या? हाँ गाड़ी मैं देता हूँ, बाकी किस काम के लिए चाहिए?
यार काम क्या भाई, तुझे बस पैसों से मतलब होना चाहिए, काम मेरे को कुछ भी हो। अच्छा एक काम करो, अंदर आओ मेरे साथ। भाई कितने सवाल कर रहा है, हद है भाई, इसे क्या करना है जान के। ओके तो गाइस एक तो ये रही यहाँ पर खड़ी है, एक ये खड़ी है गाड़ी और एक अंदर की साइड खड़ी है और एक ये गाड़ी है, इन तीनों में से देख ले भाई तुझे कौन सी चाहिए। तीन तीन गाड़ियां यार, ये नहीं है ओपन है, ये नहीं, ये भी ठीक रहेगी। काम के लिए चाहिए, अब ये बता दोगे तो मैं आराम से तुम्हें अच्छी गाड़ी दे दूंगा। यार मैं काम तो नहीं बता सकता, पर मुझे ना भाई इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा तगड़ी हो ना, जो खतरनाक गाड़ी हो, वो बता कौन सी है। देख इन तीनों में से ना जो एक रेड कलर की और जो मेरे पीछे खड़ी है, इन दोनों में से ये दोनों गाड़ियां बहुत खतरनाक हैं। अच्छा ये वाली कार? हाँ ये भाई टैंकर वगैरह का अटैक झेल लेगी ना। हाँ टैंकर का अटैक बिल्कुल झेलेगी ये वाली भी, और जो पीछे खड़ी है ना वो भी झेल लेगी। पर क्या है, ये वाली जो कार है ना रेड वाली, इसको हाँ? चलाने के लिए तुझे दो बंदे चाहिए, क्योंकि एक बंदा ड्राइव करेगा और एक बंदा वो जो ऊपर गन है ना वो चलाएगा। अबे यार ये भी तो प्रॉब्लम है गाइस, अपने पास तो भाई कोई है ही नहीं और हैकर को मैं ले जा नहीं सकता। क्या काम के लिए चाहिए ये तो बताओ। अबे काम का तुझे क्या करना है भाई, तुझे पैसे चाहिए ना, पैसे से मतलब तू बता इसका कितना रेंट है। मेरे को एक दिन के लिए चाहिए गाड़ी भाई, मुझे देनी नहीं है तुझे, छोड़। अबे एक मिनट बात तो सुन भाई, काम जानकर तू करेगा क्या। देख तेरे को पैसे चाहिए ना, मैं तेरे को डबल पैसे देने को तैयार हूँ। कितना पैसा चाहिए तू बस पैसे बता। भाई मेरे को जब तक काम पता नहीं चलेगा ना मैं कार दूंगा ही नहीं। अबे यार काम जानकर क्या करेगा, देख मेरी बात सुन, काम थोड़ा सा खतरनाक है इसीलिए मैं तेरे को नहीं बता रहा हूँ कि तू भी मुसीबत में ना पड़े। मुझे बस गाड़ी चाहिए, तू गाड़ी के पैसे बता। भाई काम तो बता पहले, तू है क्या मुझे ये बता। मैं तेरे को काम बताऊंगा पर तू पहले अच्छा ये बता मेरे को, तेरे को ये गाड़ी चलानी आती है अच्छे से। भाई मेरी कार है तो मुझे चलानी क्यों नहीं आएगी। हाँ मेरे को अच्छे से आती है चलानी। देख तेरे लिए मेरे पास एक काम है, करेगा क्या तू। क्या काम है, उसके पैसे कितने मिलेंगे। पैसे बहुत मिलेंगे, तू बस बता काम करेगा, पर थोड़ा रिस्की काम है। भाई पहले ये बता पैसे कितने मिलेंगे यार। मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। कितने पैसे? 10 लाख। भाई 10 लाख रुपए? हाँ बता काम करेगा। भाई क्या काम है, बिल्कुल गाड़ी रेडी, चलो सटाक से करते हैं काम वाला। तुझे बस गाड़ी चलानी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। गाड़ी चलानी है बाकी मैं सब संभाल लूंगा, पर एक चीज याद रख, मैं तेरे को अभी के अभी एडवांस दे रहा हूँ, पर अगर मैंने एडवांस दे दिया तो काम तुझे करना पड़ेगा, समझ रहे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एडवांस दो भाई, मैं बिल्कुल करूंगा काम, तो इंतजार कर मेरा। तो गाइज मुझे एक और बंदा चाहिए था और इसका हुलिया देखकर लग रहा है कि भाई ये वेपन वगैरह अच्छे से चला लेता है और इसके पास बुलेट प्रूफ कार है, इसका मतलब ये उन गाड़ियों को भी अच्छे से चला लेगा। और मुझे एक ना एक ड्राइवर तो देखो चाहिए ही था, अपने गैंग में बंदे चाहिए, तो क्यों ना इससे भाई ऑफर दिया जाए। मिलिट्री का काम बहुत खतरनाक है, अगर ये बच जाता है, मैं बच जाता हूँ तो इसे गैंग में रख लेंगे, और नहीं बचते हैं तो दोनों का गेम यहीं खत्म हो जाएगा और मैं अरेस्ट होऊंगा, तो अकेले क्यों, साथ में इसको लेकर भी अरेस्ट होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, हैकर को कॉल करते हैं और जल्दी से बोलता हूँ कि 5 लाख रुपए लेकर ना फटाफट से यहाँ पर आ, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा ना अभी भी हमारे घर पर रखा हुआ है। तो अभी गाइज मैंने ओम को कॉल कर दिया है, करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पता नहीं यार वो कब तक आएगा। वैसे यह लोकेशन यार ज़्यादा दूर पे नहीं है, उससे शायद आने में थोड़ा सा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो कार ना एकदम कबाड़ा कार है। एक काम करते हैं उसका इंतज़ार करते हैं, और एक मिनट भाई ये आ भी गया, भाई बहुत सही चला रहा है यार ये गाड़ी। हद है भाई, फटाफट से इससे बात करते हैं। पैसे वैसे लेकर आ गया ना तू? अब उस पैसे तो ले आया, पर आप यार मंगाए क्यों है? यार देख अंदर एक बंदा खड़ा है ना, तुझे जाकर उसे 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ना? बॉस पर 5 लाख रुपए उसे क्यों देने हैं? भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, देख मैं तेरे को समझाता हूँ हुआ क्या है। तुझे पता है देख मैं डॉन के पास गया था, उसने मेरे को एक काम बोला है, पर मैंने ना यार बिना सुने बस काम के लिए हाँ कर दिया है। 1 करोड़ रुपए हम लोग को मिल रहा है, पर जो काम है ना भाई तू सुनेगा तेरी हालत खराब हो जाएगी। हमें मिलिट्री से ना एक डिवाइस चोरी करके लाना है। बॉस मिलिट्री से क्यों पंगे ले रहे हैं, अभी तो हम लोग पुलिस से बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाए थे। भाई क्या करूं यार, अब बोल दिया है तो काम करना ही पड़ेगा। देख मेरी बात सुन, पहले तो तू उस बंदे को जाकर 5 लाख रुपए दे, और अगर इस काम में देख हम लोग फंस जाते हैं, अरेस्ट कर लेती है मिलिट्री या शूट कर देती है, तो तू एक काम करना, ये वाली गाड़ी मैं यहीं पे खड़ी करके जा रहा हूं, इस गाड़ी को बेच के तू लॉस सैंटोस के बाहर निकल जाइयो, नहीं तो डॉन तुझे छोड़ेगा नहीं, समझ गया ना? ठीक है बॉस, बाकी मेरा कुछ काम तो नहीं है ना? ना ना तेरा कुछ काम नहीं है, तू बस अब इंतजार कर और अंदर जाकर ना उस बंदे को पैसे दे पहले, तू वो अंदर तेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है बॉस। तो गाइस अभी ना मैंने अपने हैकर को समझा दिया, देखो ओम हैकिंग वगैरह करके कुछ नहीं कर पाएगा भाई, मिलिट्री ना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए मैंने इसको समझा दिया है। मुझे नहीं पता ये काम हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम ही इतना ज्यादा खतरनाक, और हमारे पास देखो प्लानिंग करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ एक दिन का टाइम था, रात तक हमें ये काम करना ही करना है। मिल गया ना भाई तेरे को पैसे? भाई मिल गए बिल्कुल पैसे मिल गए, बाकी मेरे को काम बताओ अब करना क्या है। देख तूने बोला था कि भाई तू काम के लिए हाँ करेगा, ओ मैं काम कर दूँ, फटाफट से यहाँ से निकल जा, मैं से बातचीत करता हूँ। तो देख हम लोग को जो काम करना है वो ना मिलिट्री से एक सामान चोरी करके लाना है। भाई मिलिट्री से?
एक काम कर भाई, ये ले ब्रीफकेस पकड़ और मैं कार भी नहीं दे रहा हूँ भाई, इतना खतरनाक काम मैं नहीं कर रहा यार तेरे साथ। मैंने तेरे को पहले ही बोला था भाई, अब तू मना कर ही नहीं सकता। देख ये काम ना भाई लॉस सांटोस के एक बहुत बड़े डॉन का है, मैं भी मुसीबत में पड़ा हूँ, देख मैंने भी हाँ कर दी थी और तूने भी हाँ कर दी है। अगर मना करेगा ना भाई मैं फोन करके बता दूंगा तेरी लोकेशन। यार भाई तूने किस मुसीबत में फंसा दिया यार मुझे, मैंने पहले ही बोला था तूने पैसे सुन के लालच में आ गया, और सही बताऊं गाइस मैं भी लालच में आ गया था। अब तुझे काम करना ही पड़ेगा, देख ये पैसे वगैरह रख कर अभी निकलना है क्योंकि ये आज ही करना है हमें। भाई यार तूने मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया, चल ठीक है अब काम कर ही देते हैं यार। मैं काम करता हूं गाइस, ये वाली कार ना मैं अंदर के साइड लगा देता हूं क्योंकि हमें ना बुलेट प्रूफ कार लेकर जानी है और वो गया है पैसे वगैरह ऊपर रखने। तो एक काम करते हैं इस वाली कार को यहाँ लगा देते हैं, वैसे ये जगह ना एकदम सेफ है एंड ये बंदा ना गाड़ी को ड्राइव करेगा और मैं ऊपर मशीन गन को संभालने वाला हूँ, पर मैं भी ड्राइव कर लेता हूँ। बहुत सही, की वगैरह तो इसी के अंदर थी, आ जाओ फटाफट से बैठ। हाँ भाई आके बैठ रहा हूँ यार, मुसीबत में तो फंसा ही दिया तूने मुझे। भाई मैंने तेरे को पहले ही बोला था, ये भी फंस गया गाइस और मैं भी बुरी तरीके से फंस गया हूँ, और अभी गन वगैरह मत चला देना नहीं तो पुलिस अभी पीछे पड़ जाएगी। हम लोगों ने सैंडी शोर्स की तरफ जाना है, वहाँ पे ना मिलिट्री का एक नया बेस है, वहाँ से कोई डिवाइस चोरी करके लाना है, अब चलना पड़ेगा एंड चल के देखते हैं गाइज। और ये काम ना गाइज हम लोग रात में करने वाले हैं क्योंकि दिन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स होगी, तो ये काम रात में ही कर सकते हैं। भाई हम जा किधर रहे हैं? अभी हम लोग सीधे वहीं जा रहे हैं जहाँ पे मिलिट्री का बेस बना रखा है ना, वहाँ चल के देखते हैं क्योंकि ये काम ना आज रात तक ही करना है हमें। तो सुन, वो काम करने से पहले ना एक काम करते हैं, मेरा ना एक दोस्त है जान पहचान वाला, तो उससे ना चल के हम लोग बातचीत कर लेते, शायद वो हमारी इस काम में मदद कर दे। मिलिट्री के काम में? हाँ शायद मिलिट्री काम में हमारी वो मदद कर देगा। भाई पक्का बता दे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ उस बंदे ने मेरी पहले भी बहुत हेल्प करी यार, मैं भी पहले ऐसी काम किया करता था। देख मिलिट्री वाले काम में मुझे लगता नहीं कोई हेल्प करेगा, पर अगर तू मजाक कर रहा है तो अभी बता दे क्योंकि टाइम ना निकल जाए, आज रात तक करना है काम। हाँ हाँ भाई बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, वो हमारी शायद मदद कर दे, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ पर हाँ कुछ मदद वो कर ही देगा पक्का। चल ठीक है, वैसे भी हमें मदद की जरूरत है, तो जाना कहाँ है मेरे को लोकेशन बता। वो बंदा पलीटो की साइड मिलेगा फिलहाल अभी तो। ठीक है पलीटो की साइड, मतलब तू सिर्फ नाम का मैकेनिक है, तेरे काम भी वही अलग ही है। वो गैराज मैंने खाली ऐसे ही खोल रखा है उसको। ओके तो गाइस अभी मेरे को समझ आया, ये गैराज ना सिर्फ नाम का ही है भाई, वैसे भी वहाँ लग नहीं रहा था कि कोई गाड़ी रिपेयर होती है, ये बंदा भी छोटी मोटी चोरियां ही करता है। अभी तू काम क्या करता है वैसे? भाई मैं ना पहले तो यही सब किया करता था, छोटी मोटी चोरी कर ली या फिर कुछ कर लिया, किसी बंदे का काम कर लिया या किसी की हेल्प कर, जैसे तेरी हेल्प कर रहा हूँ मैं वैसी। चल ठीक है, वैसे मिलिट्री का काम मैं फिर भी नहीं करता था, नॉर्मल खाली पुलिस से पंगा है मेरा, मिलिट्री से आज तक मैंने कभी पंगा नहीं। अबे एक मिनट, अबे ये कौन है भाई, पागल सा कोई लाकर ठोक दी, हद है भाई। लोग हैं लॉस सैंटोस में भाई। वही तो, बाकी अगर हम लोग जिंदा बच गए ना तो मैं तुझे एक ऑफर दूंगा। क्या ऑफर? हमारी गैंग ज्वाइन करने का, अगर तू चाहता है तो तू हमारी गैंग ज्वाइन कर सकता है। भाई पहले ये वाला काम तो खत्म हो जाए क्योंकि पता नहीं हम लोग जिंदा बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। हाँ ये मेरे को भी लग रहा है, पर चल ठीक है देखते हैं चल के, इस फटाफट से गाड़ी भगाते हैं, सीधे चलते हैं पलीटू की तरफ और चल के उस बंदे से बात करते हैं, और अगर वो अपनी मदद कर देगा ना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम लोग गए इस पलीटू की साइड आ चुके हैं, और कितना आगे जाना है भाई? पलीटू तो आ गए हम, यहाँ से ना थोड़ा सा और आगे जाना है, यहाँ पे एक फार्म है ना उसके अंदर जाना है हमें। अभी तो किसी फार्मर से मिलाने तो नहीं ले जा रहे ना भाई? वो पहले फार्म का काम नहीं करता था, अभी उसने फार्मिंग चालू करी है, वो पहले बहुत चोरी चकारी करता था। अबे हद है, सारे तेरे तेरे चोरी हैं क्या तेरे जान पहचान के? भाई ये बंदा जो है ना ये जेल होकर आया है इसलिए इसने ये सब काम छोड़ दिया है, बाकी अभी मैं इससे पूछता हूं कि मदद कर पाएगा नहीं कर पाएगा। है कहां वो? वो ये आ गया, ये आ गया ट्रैक्टर से। अबे ये ही है क्या? हाँ हाँ यही बंदा है, वो लग नहीं रहा होगा ना उस तरीके। अबे ये क्या हमारी मदद करेगा भाई? ये भाई तुम्हें पता नहीं कौन बंदा है, अभी मैं इससे बातचीत करता हूँ पहले। तो अभी ये लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मेरे को इंतजार करना पड़ेगा गाइस, मैं सही बता रहा मुझे इस बंदे पे यकीन नहीं हो रहा भाई, देख रहे हो कैसी हालत है इसकी, नीचे से ऊपर तक भाई खुद ही सकल से ही चोर लग रहा है मुझे, पता नहीं ये काम कैसे करेगा, पर अभी यार इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई कुछ पता लगा? यार भाई ये बंदा ना काम करने के लिए सीधा मना कर रहा है, कह रहे मिलिट्री का कोई काम नहीं कर सकता ये। अबे यार निकल गई ना इसकी हवा। अबे मेरी बात सुन, नाम सुनते ही तेरे को पैसे वैसे चाहिए तो बता भाई, देख हमें बस इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम अंदर कैसे जाएं वहाँ। ठीक है, अबे यार हद है भाई, चल ठीक है जा रहे हैं यार यहाँ से, बोल रहा है कि अगर तुम लोग ना सबकी हवा निकल जाती है भाई, तेरी भी तो निकल गई थी। मेरी भी निकल गई थी पर मैं काम तो कर ही रहा हूँ, तुमने फंसा ही दिया मुझे ऐसी मुसीबत पे। आजा 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 भाई, उस बंदे ने कहीं सीधे मना कर दिया, बोल रहा है कि अगर तुम लोग निकले नहीं ना तो पुलिस या मिलिट्री को कॉल करके बता देगा कि हम लोग क्या करने चाह रहे हैं। वैसे हम लोगों ने प्लान के बारे में देखो कहीं बताया नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कोई तो दोस्त नहीं है ना तेरा? नहीं यार यही बंदा था खाली, और तो कोई ऐसा दोस्त है नहीं मेरा।
चल ठीक है फिर निकलते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा। प्लानिंग करने के लिए भी यार गाइस टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। एकदम देखो जाकर अटैक करने में कोई फायदा नहीं है, कम से कम समझ में तो आए भाई कहाँ अटैक कर रहे हैं, कितने बंदे हैं, ये सारी चीज़ जाकर देखनी पड़ेगी। तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट से निकलते हैं गाइस सैंडी शोर्स की तरफ। तो अभी गाइस हम लोग सैंडी शोर्स की तरफ आ चुके हैं और अभी ना यार अपने पास टाइम है थोड़ा, 3-4 घंटे तो हैं, तो कम से कम मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सोच लिया जाए। तेरे पास वेपन वगैरह तो है ना पूरे? हाँ वेपन तो मेरे पे है, पूरे नहीं है थोड़े बहुत तो मेरे पे है ही। चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं काफी सारे वेपन लेकर आया था, मैं तुझे वेपन वगैरह तो दे दूंगा, पर एक चीज याद रखना ये हमारा आखिरी काम भी हो सकता है क्योंकि हमें ना मिलिट्री पे अटैक करना है। अबे मुझे देख, अबे मुझे भी नहीं पता था, देख मुझे नहीं पता था कि दो बंदों की जरूरत पड़ेगी इस गाड़ी को चलाने में, अब तो देख हो ही गया है, क्या कर सकते हैं। यहाँ से देख मेरी बात सुन, वो सामने तेरे को टावर जैसा नजर आ रहा है ना? हाँ हाँ। बस ये छोटा सा जो पहाड़ है इसके पीछे ही मिलिट्री ने नया बेस बना रखा है, वहां से हमें एक डिवाइस लाना है, ठीक है ना? और मैं सोच रहा हूँ ये काम हम लोग रात में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, रात में थोड़ी वहां पे फोर्स वगैरह कम होगी, तो रात होने तक हम लोग यहीं इसी बार में इंतजार करते हैं, रात होते ही वहां पे अटैक करने चलेंगे। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। बाकी गाइस अभी हम लोग इंतजार वगैरह करते हैं, रात होती वहाँ पर अटैक करेंगे, तब तक हम लोग कोई ना कोई प्लान बना लेंगे कि यार आखिरकार मिलिट्री से बचे कैसे, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बाकी वो तो चला गया यार अंदर वहाँ पे ड्रिंक वगैरह करने, और अभी तक मैंने इसका नाम भी नहीं पूछा यार, हद है भाई, इसके साथ काम कर रहे हैं इसका नाम भी नहीं पता है, पर चलो कोई नहीं, अगर जिंदा रहे तो नाम भी पूछ लेंगे और इसे अपनी गैंग ज्वाइन करने के लिए भी बोलेंगे। बाकी चलो ठीक है गाइस, इस वाले वीडियो को अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को मजा आया, अगर मजा आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।